एग्जिट पोल को लेकर काफी बवाल मचा और विवाद भी हुआ, नोकझोंक भी हुई। नेताओं ने एग्जिट पोल को मानने से इनकार भी किया, विवादित बयान दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा दो पत्रकारों की हो रही है। ये दो पत्रकार टीवी न्यूज चैनल से जुड़े हैं। दरअसल आप रवीश कुमार को तो जानते ही होंगे, अरे वही रवीश कुमार NDTV वाले। जब एग्जिट पोल सामने आए तो रवीश कुमार जी ने पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, BJP का समर्थक बता दिया। कुछ दिन पहले उन्होंने सभी न्यूज चैनल पर भाजपा के लिए प्रचार करने का भी आरोप लगाया था। लेकिन अब एक और पत्रकार रोहित सरदाना ने रवीश कुमार के बयान को लेकर पलटवार किया है। हालांकि सिर्फ इसे पलटवार नहीं कह सकते, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ जरूर देख लेना चाहिए। दरअसल रवीश कुमार ने एक वीडियो में कहा था कि जो संभवतः उनके प्राइम टाइम का ही था, उसमें रवीश कुमार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह से भाजपा के लिए मीडिया ने इतनी शिद्दत से मेहनत की है तो मुझे लगता है कि कुछ न्यूज एंकर और उनके मालिकों को सरकार की कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा तो दे ही देना चाहिए। इसके बाद रोहित सरदाना सोशल साइट पर लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो किसी दर्शक ने उनसे पूछा कि रोहित भाई, आपके एग्जिट पोल से काली स्क्रीन वाले पत्रकार बहुत गुस्से में हैं। इस पर रोहित सरदाना ने जवाब दिया कि भाई साहब ऐसा है, वो तो वैसे भी गुस्से में रहते हैं, आज वो कह रहे हैं कि कुछ मीडिया एंकर और न्यूज चैनल मालिकों को मंत्री बना देना चाहिए। क्यों? उस दिन तो मीडिया एंकर मंत्री नहीं बने थे जब वो न्यूज रूम में बैठकर मंत्रिमंडल डिसाइड किया करते थे, हेलो गुलाम, और बताते थे उनको कि फलाने को मंत्री बना देना और फलाने को मंत्री मत बनाना, तब ना न्यूज रूम से मंत्री बनाए गए उनसे। दरअसल रोहित सरदाना ने जिस तरह से रवीश कुमार को जवाब दिया उससे तो रवीश कुमार बैकफुट पर जा सकते हैं। लेकिन ये रवीश कुमार जी वही पत्रकार हैं जिनकी कुछ तस्वीरें कुछ दिन पहले अखिलेश यादव और मायावती की साझा रैली के मंच पर खड़े हुए वायरल हुई थी। तब ये तस्वीर इतनी वायरल हुई थी कि रवीश जी को सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि रोहित सरदाना ने रवीश कुमार को एक्सपोज करने के लिए जिस तरह से राडिया टेप केस का उदाहरण दिया, वह वाकई रवीश कुमार की बोलती बंद करने वाला था। बता दें कि राडिया टेप्स विवाद ने UPA राज के दौरान उच्च राजनीतिक फैसलों में कुछ पत्रकारों का प्रभाव होने की बात का खुलासा किया था। दरअसल साल 2010 में नवंबर में एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें NDTV की पत्रकार बरखा दत्त और नीरा राडियस के बातचीत के हवाले से यह दावा किया गया था कि नीरा राडिया ने बरखा दत्त के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और DMK के कुछ नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। इसी घटना का जिक्र करते हुए रोहित सरदाना ने रवीश कुमार को जवाब दिया। इस समय रवीश कुमार के आरोप और रोहित सरदाना के जवाब वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि कहा तो यह भी जाता है कि रवीश कुमार मोदी सरकार के विरोध में एजेंडा चलाते हैं, एक तरफा रिपोर्टिंग की जाती है। दिनों दिन NDTV की लोकप्रियता गिरने का भी यह मुख्य कारण माना जाता है। इसी तरह का एक सवाल और पूछा कि अभिषार शर्मा कह रहे हैं कि एग्जिट पोल PMO से सेट किया गया है। इस पर रोहित सरदाना ने कहा कि भाई ऐसा है कि इन लोगों के क्या कहने हैं, इनको धान और गेहूं का फर्क समझ नहीं आता, ये लोग क्या बताएंगे कि क्या कहां से चल रहा है और कहां से नहीं। इनसे पूछना, हर साल जो ये खबरें पढ़ते रहे हैं, हर साल जो एग्जिट पोल दिखाते रहे हैं, क्या ये मैनेज थे? क्या ये मैनेज एग्जिट पोल दिखाते थे, पैसे लेकर दिखाते थे, इसलिए ये आज सड़क पर हैं।